टू आयर चैनल लेट्स डिस्कस फ्रेंड्स आज हम क्लास नाइन्थ का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर ट्वेंटी टू करने जा रहे हैं और आपका यह चैप्टर है समाजवाद ये इतिहास से लिया गया है और ये पार्ट टू जो है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति उसी का एक टॉपिक है समाजवाद समाजवाद का अर्थ क्या है दोस्तों इस शब्द का प्रयोग अलग अलग, अलग शब्द में स्थान और लोगों द्वारा अलग अलग उद्देश्य और संदर्भों में किया जाता है जैसे समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण को समझा है अर्थात समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है और यह पूंजी वादी और मुक्त व्यापार के खिलाफ है अर्थात दोस्तों समाजवाद जो है ना जो निजी संपत्ति है निजी जो अपना खुद का संपत्ति है और के जो अमीर लोग हैं अमीर अमीर होते जा रहे हैं जो गरीब है वो गरीब है ही है तो इसमें जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उनका विरोध करते हैं और यह पूंजीपति और मुक्त व्यापार के खिलाफ है जो पूंजीपति और व्यापार जो बड़े लेवल पे स्तर पे किया जाता है और फ्री ट्रेड को उसके खिलाफ़ है इसके उत, अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या अन्य सरकार के हाथ में होना चाहिए तो समाजवाद के अनुसार जो वितरण और वितरण और उत्पादन जो है सरकार के हाथ में होना चाहिए अर्थात समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य व अधिकारों के वितरण पर भी विषय किया गया है विचार किया गया है आइए दोस्तों यूरोप में समाजवाद आने की परिस्थिति कैसे हुई क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के समानता बंधुत्व और भाईचारा न्याय जैसे विचारों का पूरी यूरोप में फैलना अर्थात दोस्तों यूरोप में समाजवाद का जो परिस्थिति था तो फ्रांसीसी क्रांति था फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ जो उस क्रांति से हमें समानता इक्वलिटी की बात आई है बंधुत्व मतलब भाईचारे की बात आई है और अन्याय विचारों को आ, ये सब जो है ना वहाँ किससे फ्रांसीसी क्रांति से हमें मिला है समांतवाद का कमजोर होना और नए राष्ट्रों के उदय की भावना अर्थात समांतवाद जो है ना वहाँ से कमजोर हुआ है दोस्तों समांतवाद जो राजा होते हैं ठीक है और औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भी भारी बदलाव के साथ पूंजीपति के साथ बड़े संघर्ष बढ़ना और विज्ञान की नवीन खोजों और यातायात के साधनों में विकास के साथ व्यापार और मध्यम वर्गों का तेजी से उदय होना अर्थात विज्ञान के नए नए जो खोज है उसके साथ साथ यातायात का बढ़ना और मध्यम वर्गों का तेजी से उदय होना और मार्क्स फ्रेडरिक एंजल्स और हेगल जैसे समाजशास्त्रियों का प्रभाव यूरोप में बदलते हालात कैसे बदले पुरातन यानी कंजर्वेटिव जो है ना दोस्तों पुरातनवादी को कंजर्वेटिव कहते हैं जो पूरे शासन तंत्र यानी राजतंत्र और समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था के समर्थक थे रैडिकल जो है ना अमूल यानी परिवर्तनवादी आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे सभी प्रकार की विशेषताओं के खिलाफ थे और संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही है वो इसका विरोध करते थे और लिबरल क्या चाहते थे उदारवादी वंश आधारित शासनों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे मतलब लिबरल ये चाहते थे दोस्तों जो वंशानुगत जिसको अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहते हैं जो फ्यूडल सोसाइटी के खिलाफ थे अर्थात एक राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा उसका बेटा का बेटा ही राजा बनेगा तो इसके खिलाफ थे उदारवादी न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों में शासन व्यवस्था चाहते थे और चाहते थे जो न्यायपालिका द्वारा जो शासन व्यवस्था उसका होना और शासन धर्म के स्थान स्थान पर संविधान द्वारा नियंत्रित करने के समर्थक थे कहते थे धर्म के स्थान पर संविधान को नियंत्रित करना चाहिए और पेरिस कम, कम्यून का गठन जो कि मजदूरों कामगारों का प्रथम विशाल संगठन था और जगह-जगह पर सामाजिक और राजनीतिक क्लबों का क्लबों का निर्माण हुआ जहाँ खूब गर्मा गर्म बहसें हुई हुआ करती थी महिलाएं अब सार्वजनिक जीवन में बड़ी संख्या में आने लगी थी तो आइए दोस्तों इसका क्वेश्चन देखते हैं करके समाज बाद में किन बातों पर विचार किया है तो समाजवाद आर्थिक सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण को समझाता समझता है और एवं स्वतंत्र जीवन की बात करता है और इस पर तो इस प्रकार कह सकते समाजवाद इस बातों पर विचार किया है समाजवाद समाजवाद धन और उत्पादन के साधन पर क्या विचार प्रकट करते है? तो समाजवाद निजी संपत्ति या धन पर आधारित अधिकारों का विरोध करते हैं और समाजवाद के अनुसार उत्पादन और वितरण इत्यादि राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए यूरोप में किन किन परिस्थिति के कारण समाजवाद आर्थिक विचार में फैले तो समाजवाद का समर्थक विचार फ्रांसीसी क्रांति से समानता बंधुत्व न्याय जैसे विचारों का पूरे देश में फैलना के, के साथ के उदय की भावना औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या में भारी बदलाव के साथ पूंजीपति पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ना और यातायात यात एवं विकास एवं विज्ञान की नवीन खोज एवं व्यापार और माध्यम वर्ग का उदय तेजी से हुआ कार्ल और हेगल जैसे समाज सुधारक का प्रभाव था रेडिकल अमूल परिवर्तनवादी और लिबरल उदारवादी वैचारिक कुर। रूप से किस प्रकार अलग थे तो रेडिकल जो थे दोस्तों आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे अर्थात जो रेडिकल जो थे वो चाहते थे जो जनता सरकार खुद चुने और उनका बहुमत जो है अर्थात जो है ना उन्हें बहुमत के आधार पर शासन चुने और सभी प्रकार के विशेष अधिकार के खिलाफ थे वो कहते थे जो विशेष अधिकार दिया जाता उनके खिलाफ थे और संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही है इसका विरोध करते थे वो कहते थे जो जितनी भी संपत्ति है वो कुछ ही लोगों के पास उन्हें सभी लोगों के पास बांट दिया जाए उदारवादी क्या थे तो वंश आधारित शासकों की अनियोजित सत्ता के विरोधी थे अर्थात जो जो वंशानुगत शासन शासन चलता था राजा राजा है तो का का बेटा उसके बेटा का बेटा बनेगा बनेगा उसके इसके वो खिलाफ थे उदारवादी और मैं शासन व्यवस्था चाहते थे और शासन व्यवस्था संविधान द्वारा चलाया जाए न कि धर्म के आधार पर चलाया जाए बहुत अच्छी बात है इन्होंने लिखा अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपको मजदूरों और पूंजीपति के विचार संघर्ष के क्या कारण लगते हैं संक्षेप में लिखिए तो मजदूरों के संख्या में औद्योगिक क्रांति के समय भारी बदलाव एवं पूंजीपति के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ा जिसमें अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जा रहा था अधिक भेदभाव बढ़ता जा रहा था ऊंच नीच की भावना बढ़ रही थी इस प्रकार दोस्तों आप भी अपने जो अपनी विचार को लिख सकते हैं इसमें संक्षेप में मैंने ये अपना लिखा और आप अपना लिखे थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो